आइए अब एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर में बुक में आपकी क्वेश्चन नंबर टेन दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर ठीक है अभी हमने बताया था ना कि सम का मतलब क्या होता है जोड़ने के बाद जो आता है उसको सम बोलते हैं तो क्वेश्चन में ये वर्ड कहीं पर भी लिखा है सम लिखा है तो इसका मतलब दो नंबर्स को जोड़ना है एड करना है ठीक है तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था चैप्टर वन में तो फिर से देखिए इसको लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा सबसे बड़ा थ्री डिजिट का नंबर कैसे निकालते हैं हम तीन बार नाइन लिखते हैं ठीक है तो नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन क्या हो जाएगा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं ये भी बताया था इस्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा वन लिखेंगे और उसके आगे उसके बाद वन फोर से एक कम यानी थ्री जीरोज़ लगाएंगे ठीक है वन के आगे थ्री जीरोज लगाएंगे तो फोर डिजिट स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा वन थाउजेंड हमारा अब इन दोनों का सम क्या होगा सम ऑफ द नंबर्स सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन प्लस वन थाउजेंड और इन दोनों को आप जोड़ेंगे जैसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर जोड़ते हैं नंबर्स को अरेंज करते हैं और वंस प्लेस से हम जोड़ना शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से उस तरह से हम जोड़ेंगे तो वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन सम आएगा हमारा और फिर लास्ट में हम लिखेंगे देयर फोर द रिक्वायर्ड सम रिक्वायर्ड का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है देयर फोर द रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ठीक है तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मैं क्वेश्चंस दूंगी एक्सरसाइज सारे एक्सरसाइज चैप्टर के चैप्टर थ्री के तो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगी सैटरडे को नेक्स्ट जब भी आपका क्वेरी सेशन होगा तो उस टाइम बताऊंगी अगर मुझे नहीं लगता कि जो पहली की एक्सरसाइज है उसमें कोई प्रॉब्लम बहुत ईजी क्वेश्चन है थ्री में ही प्रॉब्लम आएगी जो आएगी ठीक है सो गुड लक टू यू